हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ खट्टी मीठी इमली की चटनी। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया मैंने तैयार करी है, और इसको बनाने के लिए अब हम तैयारी करते हैं। ये देखिए, आप चाहें तो इसे और पतली कर सकते हैं, और आप इसे बना के एक बार ही बना के 15-20 दिन के लिए फ्रिज में रख के आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। चटनी को कभी भी आपको अगर चेक करना हो तो पीछे से इस तरह चम्मच से चेक कर सकते हैं, यानी कि इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये देखिए बह नहीं रही ना नीचे, इस तरह है। मैंने ये बिना बीज वाली इमली ली है, बाज़ार में मिलती है, इसमें थोड़े से बीज होते हैं वो मैंने निकाल दिए हैं, और देखिए ये वाली इमली है मेरी, इसमें बीज नहीं है। अब देखिए मैंने इसको 1 घंटा पानी में भिगो के रखी है। अब मैं इसको हाथ से ऐसे ऐसे करके इसका पल्प हो जाएगा, और इसको हम लोग छान लेंगे। ये देखिए मैंने कढ़ाई इसलिए ली है क्योंकि ज़्यादा बर्तनों का इस्तेमाल ना हो, और आप इसमें इसको सीधा छान लें। इसके अंदर हम धो के इसी का पानी डाल देंगे। पचास ग्राम इमली ली थी, और इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी डालूंगी। आधा गिलास मैंने डाल लिया है, और ये पूरा, क्योंकि हमने जो भिगोया था वो भी पानी हम इसी के अंदर ऐड करेंगे। तकरीबन पूरा 1 गिलास हम लोग पानी यूज़ करेंगे, और बाकी का जो है इमली का हमारा पल्प है। इस तरह दबा दबा के हमने इसको सारा देख सकते हैं। अब हम इसको हटा देंगे। देखिए इमली के रेशे होते हैं, इसका जो कवर होती है कवरिंग वो हट जाती है। जब हम इमली का ऐसे छान लेते हैं तो हमारे मुंह में रेशे वगैरह और कोई इमली का कोई रेशा या इसका बीज हुआ या इसकी स्किन हुई नहीं आती है। अब इसको हटा देंगे। अब हम अपनी गैस को ऑन करते हैं। अब इसके अंदर उबाल जब आएगा, हम इसके अंदर ये गुड़ मैंने लिया है 100 ग्राम, ये देखिए 4 ये हैं। अगर आपके पास ये गुड़ है तो ये डालिए, नहीं तो आपके पास पुराना गुड़ है तो पुराना भी डाल सकते हैं। ये देखिए अब ये खोलेगा, इसमें एक उबाल आएगा, फिर इसके अंदर हम ये गुड़ को डाल देंगे। ये ऐसे मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी। कई लोग इसको बनाते हैं, जैसे कई लोगों का अलग तरीका होता है, वो गर्म पानी में पहले इमली को उबालेंगे और फिर उसके बाद उसके अंदर ये गुड़ डालेंगे। मैंने इसको 1 घंटे पहले भिगो दिया था, तो आप देखिए अच्छी तरह इसका पल्प भी निकल आया है, ना मुझे इसको मिक्सी में पीसने की ज़रूरत है और ना ही इसको छानने की और ज़रूरत पड़ेगी। आप देखिए मैंने सिर्फ इसको भिगोया है और उसको छान लिया है पानी को, पल्प को। जैसे ही हम गुड़ डालेंगे इसका कलर चेंज होने लगेगा। गैस की फ्लेम को हम इसको फुली रखेंगे। अब देखिए हमारा पानी उबल रहा है। मैंने गुड़ के इस तरह छोटे छोटे पीस कर लिए जो कि जल्दी घुल जाएंगे। अब मैं इसके अंदर ये गुड़ डाल दूँगा। ये देखिए अब इसका कलर कितना चेंज होने लगा है। अब हम इसके अंदर अपने कुछ मसाले डालेंगे। ये हो गया हमारा 1/2 चम्मच सादा नमक, काला नमक, ये भुने जीरे का पाउडर, ये हमारा जिंजर पाउडर, सौंठ जिसको आप बोलते हैं, हम इसमें डालेंगे सौंफ पाउडर, थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर। अब ये देखिए सारा हमारा फर्स्ट क्लास उबाल आ रहा है, इसमें मसाले भी हमारे मिल गए हैं। आज 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो कि हमें कलर बहुत अच्छा देगी और थोड़ा सा इसके अंदर तीखापन लाएगी। अब ये देखिए कितना अच्छा हमारा कलर हो गया है। बस गुड़ घुलने की हम इंतज़ार करेंगे और हमारी चटनी जो है वो तैयार हो जाएगी। ये 1 चम्मच भर के
हम लोग इसमें डालेंगे चीनी। आप कहेंगे गुड़ की चटनी बना रही है मैडम, चीनी की क्या ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी गुड़ में भी ना खटास होती है, खट्टापन होता है एक ना, तो उसकी खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा चीनी, 2 चम्मच के करीब चीनी डालेंगे। मैंने तो 1 बड़ा चम्मच डाली है, आप 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। आप देखिए कितनी बढ़िया और चमकदार हमारी चटनी तैयार हो रही है। कई लोग इसके अंदर खजूर डालते हैं, आप चाहे तो इसके अंदर किशमिश भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसके अंदर अनार के दाने भी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर डालूंगी ये किशमिश। कई लोग ताजे अंगूर डालते हैं, लेकिन मैंने किशमिश डाली है, जिससे बहुत ही अच्छा लगेगा स्वाद। और पहले भी मैंने आपको कई चटनी की वीडियोस दिए हुए हैं, जैसे कि आंवले की चटनी, नारियल की चटनी, जो मैंने चटनी आपको बताई है उनका रेसिपी की जो है पेलिंग का लिस्ट जो है वो आपको मेरे आई बटन पे मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ उनको देख के आप उनको भी बना के ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए हमारी ये कितनी गाढ़ी होती जा रही है, क्योंकि जब हम चटनी को 2 घंटे रखेंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। अभी हम इसको और एक बार उबाला दिलाते हैं। आप इसको घर में भल्ले बनाएं, भल्ले के साथ डाल सकते हैं, उसके ऊपर डाल के खा सकते हैं। अगर आप पापड़ी खा रहे हैं, चाट पापड़ी बना रहे हैं, उसके ऊपर भी डाल के खा सकते हैं। या भेलपूरी घर में आप बना रहे हैं, भेलपूरी पे भी इसको डाल के खा सकते हैं। घर की चीज़ का तो स्वाद ही बहुत अच्छा होता है। मैं अधिकतर अपने घर में ही चटनियाँ बनाती हूँ, मैं बाहर कभी नहीं लाती हूँ। खाना बढ़िया, तो इसका कलर हो गया है, अब देखिए कितना अच्छा इसका कलर हो गया है और कितना बढ़िया इसका टेक्सचर हो गया। ऐसे ही हमें इसको चाहिए। बस हम अपनी गैस को बंद करते हैं और फिर हम को दिखाते हैं इसको कि ये किस तरह होइए तैयार। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे जो चम्मच के ऊपर जो लगा हुआ है ये, और इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। मेरे तरीके से चटनी बनाएंगे तो बिल्कुल आपको चटनी में बनाने में 15 मिनट लगेंगे। बस आप इसको बनाने से पहले इमली को 1 घंटा पहले अपना सादा पानी में भिगो दीजिए। ये देखिए, अगर आपके पास खरबूजे के बीज हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं भी इसमें थोड़े से वो डाल ही रही हूँ। अब हम अपनी गैस को बंद करते हैं। देखिए कितनी बढ़िया हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है। अब 1 घंटा जब ये ठंडी होगी तो इसके बाद मैं आपको इसका दिखाऊंगी टेक्सचर कैसा हो गया है, कितनी गाढ़ी हो गई है। चलिए अब हम अपना गैस को बंद कर देते हैं और इसको प्लेट आउट करते हैं। ये देखिए मेरी चटनी बिल्कुल ठंडी हो गई है और कितनी फर्स्ट क्लास ये तैयार हुई है। अब हम इसको 1 बाउल में कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख लें और फिर इसे हम फ्रिज में रख देंगे और फिर उसके बाद हम इसको 15-20 दिन ऐसे ही फ्रिज से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए मैंने इसके अंदर खरबूजे के बीजे डाले और ये कुछ मैंने डाल दी थी इसके अंदर किशमिश। ये देखिए हमने जब इसको गर्म किया था तो ये पतली थी और ये 2 घंटे बाद जब हमने इसको ठंडी निकाला है तो देखिए कितनी फर्स्ट क्लास है। आप देख सकते हैं पीछे यही चटनी का टेक्सचर होना चाहिए। अब मैं इसको आपको यूज़ करके बताती हूँ कि हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे। ये देखिए मैंने अभी 2 दिन पहले अपने घर में भल्ले बनाए थे और मैंने पहले भी आपको बना के दिखा दिए हैं, उसका लिंक आपको मेरे आई बटन पर मिल जाएगा। अब ये देखिए मैं अभी दही भल्ले निकाल लिए हैं और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये अपना चाट मसाला डालूंगी और इसके ऊपर थोड़ी सी हरी चटनी डालेंगे, बाकी के हम ये चटनी डालेंगे अपनी खट्टी मीठी इमली की चटनी। अब आप इसको एंजॉय कीजिए और ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो जल्दी भी बनेगी
और बहुत ही अच्छी बनेगी। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आती है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।